उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ के जैसे हालात बने हुए हैं। टिहरी से जहां पहले घरों में दरारों की खबरें सामने आई थी, तो अब झील के ऊपर डोबरा चाटी पुल के पास बने हेलीपैड में भी दरारें नजर आने लगी हैं। बता दें कि यहां हेलीपैड पर पड़ी दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही है। दरअसल इस हेलीपैड का निर्माण 13 साल पहले लोक निर्माण विभाग चंबा ने किया था, जहां अब इन दरारों के सामने आने के बाद ही स्थानीय लोगों ने तत्काल ही इस हेलीपैड को दुरुस्त करने की मांग की है। हमारी ये मांग है कि जो ऐतिहासिक पुल चांठी डोबरा में बन रखा है, उसके नजदीक एक हेलीपैड है और हेलीपैड भी में दरारें आ चुकी है और उस तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो आपदा की दृष्टि से देखा जाता है, रेस्क्यू करने के लिए सबसे नज़दीकी हेलीपैड है और उस हेलीपैड की मरम्मत भी होनी चाहिए। और जैसे कि देखा जा रहा है कि उसमें दरारें आ रही है, तो इसका निदान शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने इस हेलीपैड का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कराया था, ताकि पर्यटक यहां से डोबरा चाटी पुल के साथ साथ टिहरी झील का भी आनंद ले सके। और वहीं आपदा के समय इमरजेंसी पर हेलीकॉप्टर को यहां उतारा जा सके। वहीं अब स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय चारधाम यात्रा शुरू होती है, उस दौरान बड़ी संख्या में कई पर्यटक टिहरी झील और डोबरा चाटी पुल का आनंद लेते हैं। अगर हेलीपैड को सही नहीं कराया गया तो ऐसे में आने वाले वक्त में एक बड़ा हादसा हो सकता है। उसमें बेसिकली जैसा मैं संज्ञान में भी आज आया है, तो जिन्होंने मुझे ये आज उपलब्ध कराया है, हमने उनसे भी ये पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है पुरानी जिसमें ऐसा कोई चोट लगी या मतलब क्रैक डेवलप है। और साथ ही साथ में हमने पीडब्ल्यूडी और डीटीडब्ल्यू को भी इसमें निर्देशित कर दिया कि उसको देख लें मौके पर जाकर के और उसको त्वरित रूप से मरम्मत करा। वहीं अब जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है और डीएम ने लोक निर्माण विभाग चंबा साथ ही पर्यटन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तत्काल ही इस हेलीपैड को ठीक करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।